नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष 2022 की संपूर्ण बातें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, पितृपक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। शास्त्र के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्र पक्ष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। मान्यता के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण करें। मान्यता यह भी है कि पितृपक्ष में पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू हो रही है, अश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होती है। आइए जानते हैं मांगलिक कार्यक्रमों के बारे में। तो पितृपक्ष में संबंधित इन तिथियों में हर दिन उनके लिए खाना निकाला जाता है और इनके साथ ही उनकी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, कान छेदन, मुंडन, शादी विवाह आदि नहीं करवाए जाते हैं। इसके साथ ही इन दिनों में ना कोई नया कपड़ा खरीदा जाता है और ना ही पहना जाता है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान हवन भी करते हैं। आइए जान लेते हैं कि इस साल पितृपक्ष की निश्चित तिथि क्या है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू होने वाली है और पितृपक्ष का समापन 25 सितंबर 2022 को होगा। इस दिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि भी होती है। आइए जान लेते हैं श्राद्ध की तिथियां क्या है। तो मित्रों, निम्नलिखित तिथियां हैं श्राद्ध की।